गुड मॉर्निंग माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे और जो भी वर्क हम आपको करवा रहे हैं वो सारा ही वर्क आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। आज का हमारा क्लास है ग्रामर, ग्रामर लेसन नंबर 2 स्टैंडर्ड 1st। ओके, चलो तो इसके पहले हमने ग्रामर में चैप्टर नंबर 1 नाउन्स कंप्लीट कर लिया था। दिस विल बी आवर सेकेंड चैप्टर, ए एन ए एन एन, ये ए एन एन बोलते हैं इसको। ओके, चलो हम हमारा चैप्टर बिगिन करेंगे। वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सनेंट। कॉन्सनेंट क्या होता है? देर आर 26 लेटर्स इन अवर ए बी सी डी। ओके, 26 अल्फाबेट होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड के बीच में। ओके, तो उसमें से जो 21 है वो है हमारे कॉन्सनेंट्स। 21 जो अल्फाबेट्स है उसे हम कॉन्सनेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट रीड करूँगी मैं। वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विथ वॉवल्स। और वॉवल्स क्या होता है? जो 21 है वो कॉन्सनेंट है और बाकी के जो फाइव बचते हैं, फाइव, दैट इज अवर वॉवल्स। और वॉवल्स हम किसे कहते हैं? ए ई आई ओ यू, दिस इज अवर वॉवल्स। ओके, तो ए बी सी डी में से अगर हम ये पांच वर्ड्स निकाल दे, पांच लेटर्स को निकाल दे, ए ई आई ओ यू हम पांच कट कर दे, तो बाकी के जो ए बी सी डी के लेटर्स बचते हैं दैट आर कॉल्ड कॉन्सनेंट्स। जो बाकी के 21 बचेंगे वो हमारे कॉन्सनेंट हो जाते हैं। ओके, तो याद रखना कि जब भी कोई भी जो वर्ड है वो अगर स्टार्ट होता है कॉन्सनेंट से तो उसके आगे हम लगाते हैं ए, और कोई भी जो वर्ड है स्टार्ट होता है वोवल से तो उसके आगे हम लगाते हैं ए एन एन। ओके, लेट अस बिगिन अवर एक्सरसाइज। चलो यहाँ पे हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। पुट ए और एन बिफोर ईच। देखो यहाँ पे ड्राइंग भी दिया हुआ है और नाम भी दिया हुआ है, तो हम रीड भी करेंगे और उसके आगे ए या एन क्या लगेगा वो हम देखेंगे। चलो यहाँ पे पहला पिक्चर है आई, आई यानी आँख, तो आई जो स्टार्ट होता है वो है ई से, तो ई क्या होगा हमारा वोवल्स में आता है ए ई आई ओ यू, तो ये हमारे वोवल्स है, इसमें आएगा तो हम लिखेंगे ए एन एन, अगर नहीं आएगा तो हम लिखेंगे ए। ओके, चलो तो इसमें है ए ई आई ओ यू वॉवल्स में, यस ई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन एन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ईयर, ईयर मतलब कान, तो वो भी स्टार्ट होता है ई से, तो ई इज एन वॉवल, तो वॉवल के आगे हम लगाएंगे एन। अब कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट है नोज, तो नोज का जो पहला हम वर्ड देखेंगे वो है एन, तो एन वॉवल्स में आता है तो नहीं आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली ए। नेक्स्ट है लेमन, लेमन यानी नींबू, तो जो एल लेमन का फर्स्ट वर्ड देखेंगे दैट इज एल, तो एल वॉवल्स में आता है नहीं आता है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे ए एन एन। ओके, चलो नेक्स्ट इस ऑनियन, ऑनियन यानी कांदा, डुंगड़ी, तो उसका पहला वर्ड हम देखेंगे दैट इज ओ, तो ओ वॉवल्स में आता है नहीं आता है, यस ओ, तो वॉवल्स में आता है तो यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन एन, सॉरी यहाँ पे ए आएगा क्योंकि एल है वो वॉवल्स में नहीं आता है। चलो नेक्स्ट ऑरेंज, तो ऑरेंज का पहला है ओ, तो ओ वॉवल्स में आता है ए ई आई ओ यू, ये रहा ओ, तो ये आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन एन। ओके, तो आपको सिर्फ कोई भी वर्ड हो या सेंटेंस हो तो ब्लैंक के आगे आपको जो भी लेटर लिखा है उसका आपको फर्स्ट देखना है, जो भी वर्ड स्पेलिंग है कुछ भी है तो आपको फर्स्ट लेटर देखना है, वो अगर वॉवल्स में आता है ए ई आई ओ यू पांच तो उसके आगे लिखेंगे एन, नहीं आता तो लिखेंगे ए। ओके, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट यहाँ पे है
पुट ए और एन बिफोर ईच, तो यहाँ पे भी आपको सेम पूरी एक्सरसाइज वैसे ही कंप्लीट करनी है। कोई आगे के पूरे आपको वर्ड्स पढ़ने हैं, अगर वोवल है तो ए एन लिखेंगे, अगर वोवल नहीं है तो सिर्फ ए लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम मैं आपको कुछ करके दिखाती दी हूँ, बाकी के आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। ओके, मैं यहाँ के यहाँ से आपको ये सिर्फ 4 कंप्लीट कराऊंगी, बाकी नीचे के आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। उसी तरीके से करने हैं, वोवल होएगा तो एन, नहीं होएगा तो खाली ए। चलो यहाँ से करेंगे, एश मतलब डोंकी। ओके, तो ए से स्टार्ट होता है तो ए वोवल में आता है तो यस, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन एन। फिर यहाँ पे भी तो आई है तो आई भी वोवल में आता है तो यहाँ पे भी ए एन एन लिखेंगे। फिर यहाँ पे गर्ल, गर्ल यानी जी, तो जी कॉन्सनेंट है तो कॉन्सनेंट के आगे हम लिखेंगे ए। फिर टॉल गर्ल तो टी, तो टी, तो टी भी कॉन्सनेंट में आता है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ए। ओके, फिर नेक्स्ट है बॉक्स, तो बी, तो बी भी आता है कॉन्सनेंट में तो यहाँ पे भी आएगा ए। फिर आयरन बॉक्स मतलब, तो यहाँ पे भी आई, तो आयरन बॉक्स में आई तो आई आता है वोवल्स में तो यहाँ पे भी हम सिर्फ करेंगे ए एन एन, ए नहीं आएगा क्योंकि ये वोवल्स में आता है इसलिए। ओके, तो इसी तरीके से आपको सारे कंप्लीट करने हैं, तो ये आप सारे ही होमवर्क में अपने आप कंप्लीट करेंगे। तो आपका होमवर्क आज का यही रहेगा कि आपको रिमेनिंग जितने भी है, ये रिमेनिंग जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं ये सारे आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे विद गुड हैंड राइटिंग। सिर्फ आपको ए और एन लिख के ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर और प्लूरल ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज का सिर्फ हमारा टॉपिक था ए और एन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और होमवर्क भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।